ये जो मेरे पीछे बाइक देख रहे हो स्प्लेंडर, अभी इतना पानी में डूब गई थी, मतलब कैसे ज़्यादा पूरी गाड़ी डूबी हुई थी। दो बार तो इसके अंदर पुराना ऑयल डाल करके फ्लैश कर दिया हमने, पूरे ऑयल के अंदर पानी निकला, मतलब इतना खतरनाक पानी निकल गया। और झालावाड़ के अंदर अभी इतनी बारिश हुई, एक एरिया पूरा डूबा हुआ था, एक एक मंजिल तक, उसके अंदर ये भी गाड़ियाँ थी कुछ ऐसी। कल रात को 4-5 गाड़ियाँ तो कल की, एक बाइक की आ गई, एक भी स्प्लेंडर, एसी भी पानी निकला। खतरनाक माहौल हो रहा है भैया। अगर कभी आपकी बाइक कभी पानी में डूब जाती है तो एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, कभी भी ऐसी कंडीशन में आपको पता लग जाए कि एक इंजन पूरा डूबा हुआ है, साइलेंसर पूरा डूब चुका है, कभी भी बाइक को स्टार्ट ना करें। अगर वो डूब गया है तो उसको खड़ी रखें और कुछ 2-3 घंटे उसको खड़ी रखें, उसके बाद उसको या तो किसी जो आपके नियर बाई मैकेनिक है वहाँ ले जा करके उसका इंजन ऑयल ज़रूर बदलना है पहले। उससे पहले अगर आपने स्टार्ट करने की कोशिश करी तो पानी और ऑयल जो रहेगा वो मिक्स हो जाएगा और पूरे इंजन के अंदर वो फैल जाता है, फिर उसको निकाल पाना बड़ा मुश्किल होता है। अभी इसके अंदर इन्होंने स्टार्ट नहीं की मैकेनिक, जो कस्टमर है हमारे, अगर ये स्टार्ट कर देते ना तो इसके अंदर भी बहुत समस्या होती, क्योंकि पूरा ऑयल और पानी फिर वो मशीन की वजह से अंदर जो मशीनरी पार्ट्स जो होते हैं ना घूमते हैं, वो घूम करके ऐसा गाढ़ा गाढ़ा ग्रीस टाइप का बन जाता है पानी के मिक्स होकर के, पूरा वाइट एकदम कॉफ़ी की तरह, कॉफ़ी ऐसा गाढ़ा गाढ़ा निकला है इसके अंदर से ऑयल। ये स्टार्ट नहीं किया इन्होंने तो पहले पानी की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से पानी नीचे बह करके पहले पानी आया, लगभग 1-1.5-2 लीटर पानी निकला होगा, फिर बाद में ऑयल आने लगा इसके अंदर। ज़्यादा मशक्कत नहीं करवाई, ज़्यादा मेहनत नहीं करवाई इस बाइक ने, बाकी कुछ गाड़ियों ने बड़ी मेहनत करवाई है। तो 2 दिन से तो हम यही काम कर रहे हैं बस। ये मेरा नाम है विशाल, मैं हूँ राव ब्रदर्स एसेसरीज, ये हमारी शॉप है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरे अभी लगभग 8,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और सब्सक्राइबर बढ़ाइए हमारे चैनल को और वायरल कीजिए। थैंक यू सो मच, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कुछ और भी आगे रॉयल एनफील्ड से रिलेटेड वीडियो आती रहेंगी। एक इस बाइक का भी काम करना है, इसमें बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, बार बार मिसिंग करती है, गाड़ी बंद हो जाती है, तो इसका एक बार मैग्नेट कोइल का रेजिस्टेंस वगैरह चेक करेंगे, रेक्टिफायर चेक करेंगे, थोड़ा बहुत जो भी इसके इस वजह से करंट नहीं बन रहा है या बैटरी चार्ज नहीं हो रही है, वो सारी समस्याएँ चेक करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।